देखिए आज जो है तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, 6 पेज का रेजोल्यूशन है उसमें। तो जिस दिन से सीएबी बिल आया है 9 दिसंबर से लेके मुसलसिल आज की तारीख तक तेलंगाना स्टेट में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज जारी रहा और ये एहतजाज का नतीजा था कि हुकूमतें मजबूर हुई आज से कुछ दिन पहले हमारे ऐवान पार्लियामेंट में अमित शाह ने बयान दिया। वो अमित शाह जो ये दावा कर रहे थे कि मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, उन्होंने आज 100 कदम पीछे हटने की बात की है और आज ऐवान असेंबली में चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर ने एक रेजोल्यूशन पास किया। 6 पेज के रेजोल्यूशन में यहां पर मैं अवाम को इस बात से आगाह कर रहा हूं कि ये रेजोल्यूशन आज जो पास किया गया है कहीं पर भी एनपीआर पे स्टे नहीं लगाया गया। ये पूरे 6 पेज के रेजोल्यूशन में आप अगर देखें तो पता चलेगा कि इसमें पूरा CAA का जिक्र है, यानी CAA से क्या नुकसान है, कैसा मुसलमानों को छोड़ा गया, पूरा हमदर्दी है मुसलमानों के साथ और CAA का जिक्र है इसमें। रेजोल्यूशन की जो आखिरी पेज है उसका एक पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा कि इन व्यू ऑफ द अप्रिहेंशन अमॉन्ग ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपुल इन इंडिया द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना रिजॉल्व्स टू अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल रेफरेंसेस टू एनी रिलीजन और टू एनी फॉरेन कंट्री। इसमें कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया गया है कि तेलंगाना में एनपीआर पे 1 अप्रैल से स्टे लगाया जाएगा। मैं बारहा कह रहा हूं कि अवाम अभी कुछ ही देर पहले जो है जैसा ही ऐवान असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ टीआरएस के कुछ कायदीन अवाम में पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए, अखिलियती दफ्तरों पे जमा होके गुलपोशियां कर रही, मिठाई खा रही, चीफ मिनिस्टर साहब की फोटो को दूध से धोना शुरू हो गया। ये जर खरीदे चंद माइनॉरिटी अखिलियती कायदीन ये हरकतें कर रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश है, समझिए आप मेरी बात को। हमारे केसीआर साहब जो है बेहतरीन चाणक्य है, अवाम को 6 साल से बेवकूफ बना रहे हैं और आज असेंबली में भी अवाम को बेवकूफ बनाए, खासतौर पर उन अकलियतों को जो एहतजाज कर रहे हैं और अकलियतों के कायदीन को बेवकूफ बनाए। जैसा ही सीएम साहब की तकरीर खत्म हुई और तकरीर के बाद में कुछ देर के बाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्लोर लीडर AIMM ने भी तकरीर किया। अकबरुद्दीन ओवैसी की आप तकरीर उठाकर अगर देखें तो पता चलेगा कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर के तारीफा करना, टीआरएस के गुनगाना, यानी बेहतरीन धोबी का रोल अदा किए जो सीएम साहब के कपड़े धोए। ये पूरी मैच फिक्सिंग है, गौर करिए आप। सीएम साहब बयान दिए और इन्होंने उस बयान की सीएम साहब बेवकूफ बना रहे हैं और इन्होंने उसकी गवाही दे रहे हैं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मेरा सवाल है कि आप पूरी अपनी तकरीर में एनपीआर पे स्टे लगाने का कहीं भी जिक्र नहीं है। रेजोल्यूशन की कॉपी मेरे पास है, इसमें कहीं पर भी एनपीआर पे स्टे नहीं लगाया गया है। उन कायदीन जो इस्तेमाल कर रहे हैं सीएम साहब के इस बयान को और आज के रेजोल्यूशन को, मैं उनको आगाह कर रहा हूं और खबरदार कर रहा हूं कि चंद दिन पहले मैं जब सेंसस के दफ्तर को गया था तो सेंसस का पूरा काम मुकम्मल हो गया है, सेंसस 2020 के मुताबिक होने वाला है, सेंसस 2010 के मुताबिक नहीं होने वाला है। सेंसस में जो है आपके फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ बर्थ दिया जाना पड़ेगा और ग्रैंड पेरेंट्स का प्रूफ ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ। सेंसस के बाद में एनपीआर को अपग्रेडेशन किया जाएगा, एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टू एनआरसी। आज चीफ मिनिस्टर साहब का बयान जो है बिल्कुल अवाम को बेवकूफ बनाने का है, यहां पर कहीं भी एनपीआर पे स्टे नहीं दिया गया है, ये क्लियरिटी के साथ मैं कह रहा हूं। आज से कुछ दिन पहले अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया कि हम किसी को डाउटफुल सिटीजन नहीं करार देंगे, वो अमित शाह से मेरा मुतालिबा है कि अगर आपकी नीयत और नीति साफ है तो पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाइए, लाके जो एनपीआर का जो कानून है उसमें चेंजेस लाइए, आर्टिकल 467 जो एनपीआर का है जिसके अंदर तहसीलदार को ये पावर्स दिया गया है कि किसी को भी डाउट आने पर डाउटफुल सिटीजन करार देता है उसको स्क्रैप कर दीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स और मदर एंड फादर का डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ कंपल्सरी जो दिया गया उसको स्क्रैप कर दीजिए। लेकिन अमित शाह ने सिर्फ बयानी की और गुलाम नबी आजाद ने भी आवाम को बेवकूफ बनाया। वहां पर कांग्रेस ने यह डिमांड नहीं किया कि आप जो एनपीआर के रेजोल्यूशन 467 को आप निकालो बोलकर नहीं किया। आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी आवाम को बेवकूफ बनाया कि सीएम साहब को यह नहीं कहा कि आप एनपीआर पे स्टे लगाइए। मेरे पास जो है
जो वेस्ट बंगाल की असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था ममता बनर्जी की तरफ से, वो रेजोल्यूशन की कॉपी है। यानी आज 6 पेज के रेजोल्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि ये 1 पेज के रेजोल्यूशन में वहां पर जिक्र है, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल एक्टिविटीज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन अपडेशन अपग्रेडेशन ऑफ एनपीआर आर हियर बाय स्टेट इन वेस्ट बंगाल। नो एक्टिविटी रिगार्डिंग एनपीआर में बी टेकन अप विदाउट प्रियर क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का मेरे पास ये जीओ ऑर्डर है और असेंबली का रेजोल्यूशन की कॉपी है। 2 दिन पहले दिल्ली में जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें भी ये है कि वी डिमांड ए बैन स्टे ऑन द एनपीआर, बल्कि केजरीवाल की हुकूमत ने ये किया, आज वो केसीआर साहब नहीं किए। मेरे पास एक और एक रेजोल्यूशन की कॉपी है जो गवर्नमेंट ऑफ केरला ने, केरला असेंबली में वहां के चीफ मिनिस्टर ने पास किया है। इसमें भी क्लियरिटी से मेंशन है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार रिलेटेड एक्टिविटीज लीड्स टू नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स एनआरसी इन द वेक ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्स टू स्टे ऑल एक्टिविटीज कंसर्न विद द अपग्रेडेशन ऑफ एनपीआर। इसके अंदर भी क्लियर है कि स्टे डाला गया है। तो हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ने ना स्टे का मुतालिबा किया ना रेजोल्यूशन स्टे का पास किया। वो लोग जो बेवकूफ बन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप बेवकूफ मत बनिए, पटाखे मत फोड़िए, सीएम साहब के फोटो को दूध से मत धुलाइए, मिठाइयां मत तकसीम करिए, या दानिशा तौर पर जानबूझकर आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। आज सीएम साहब जो है ऐवान असेंबली में जो बात कहा कि मैं जो है बड़ी तकलीफ होती है कि ये जो दिल्ली में नारे मारे गए कि गोली मारो सालों को, उससे हिंदुस्तान की सलामियत को खतरा है, बोले बहुत अच्छी बात बोले चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने इस बात का नोट लिया, ये नारे का नोट लिया और आज बीजेपी के लीडरों की मुखालिफत की। लेकिन वही चीफ मिनिस्टर से मेरा सवाल है कि आप जहां के चीफ मिनिस्टर है, आपके हाथ में जहां का लॉ एंड ऑर्डर है, आज से कुछ दिन पहले नरेंद्रा साबेखा मिनिस्टर मरहूम मिनिस्टर के 3 बेटों ने एक जलसा किया था कुली कुतुब शाह स्टेडियम में प्रो सीए के CAA के फेवर में, और वही कुली कुतुब शाह के स्टेडियम के प्लेटफॉर्म से वहां पर भी यही नारा मारा गया था कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। लेकिन आपकी पुलिस खामोश रही और आप खामोश रहे, आपके होम मिनिस्टर महमूद अली खामोश रहे, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? आपको जब वाकई ये नारे से तकलीफ है तो आप एक्शन लेना था, आप बेताज बादशाह है तेलंगाना के, आपने नहीं लिया। उस दिन जिस दिन यहां पर जुलूस जलसा हुआ, उस दिन गोशा महल से एक जुलूस निकाला गया, उस जुलूस में भी पूरे नारे मारे, मेरे पास वीडियो है, मैंने आपको ट्वीट किया, मैंने पुलिस कमिश्नर को ट्वीट किया, DGP को ट्वीट करके मुतालिबा किया, ऑनलाइन कंप्लेंट पे केसेस नहीं बुक किए, बल्कि कुछ लोग जाके DCP साउथ जोन से मुलाकात करके दिए कि केसेस बुक करो इनके ऊपर बोल के, लेकिन केसेस नहीं बुक किए बरखिलाफ इसके। कुछ दिन के बाद में उसी कुली कुतुब शाह में इमरान प्रताप गढ़ी ने एक मुशायरे के दौरान ये पूछा कि आया ऐवाने आया तेलंगाना में या हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं कायम होता, तो फौरी आपकी पुलिस केस बुक कर दी ऑर्गेनाइजर के खिलाफ में, इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ में, आपकी पुलिस वो जुस्तजू उनके खिलाफ में नहीं बताई, मिलियन मार्च निकाले, 25 केसेस बुक किए, खवातीन एहतजाज करे, गोलकुंडा पुलिस स्टेशन पे 30 खवातीन पे केसेस बुक किए, टोली चौकी पे एहतजाज किए, हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में केसेस बुक किए, SIO के बच्चों SIO के दफ्तर पे जाके मुखालिफ CA का बैनर को निकाल दिए पुलिस वाले, अपने दफ्तर पे मेरी जाती बिल्डिंग पे मैं बैनर लगा रहा हूं, पुलिस वाले आके निकाल दिए, उनके ऊपर केसेस बुक किए। हालिया मस्जिद अजीदिया के कुछ लोग जो है दिल्ली के फिसाद ज्यादा मुतासरीन के लिए चंदा जमा कर रहे थे, उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में केसेस बुक कर दिए, जुल्म की इंतहा। निजामबाद में जो खवातीन एहतजाज कर रही जर्नलिस्ट कवर करने गए तो उनके ऊपर केसेस बुक कर दिए, निजामबाद में 2 केसेस, हर FIR में 30-30 आदमी को डाले, बोधन में जो है कुछ लोग गैर लोग कुछ बस्तियों में फिर रहे थे, कुछ फोन नंबर ले रहे थे, तो एक मस्जिद की कमेटी वाले एहतजाज करे, बोधन पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर औरतों की इज्जत लूटने की कोशिश करे, बल्कि 38 लोगों के ऊपर केसेस बुक किए, आधे लोग जो है 50 साल से ऊपर है। तो ये जो है सीएम साहब की हकीकत है, और आज एक बयान दिए बेवकूफ बनाए लोगों को, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी बेवकूफ बनाए, तो मैं आवाम को आगाह कर रहा हूं
मैं अभी हमारे जेएसी के कन्वेनर साहब से भी बात किया हूं कि हम लोग मीटिंग बुलाएंगे। ये जो अवाम को बेवकूफ बनाए, ये एक तरफ तो केसेस बुक कर रहे हैं आप जो एहतजाज कर रहे हैं CAA NPR NRC के खिलाफ में, और दूसरी तरफ जो है मुखालिफिन यानी RSS BJP वालों को खुली छूट दे दी है, परेड करने की इजाजत दे रहे हैं। तो आखिर है क्या किस्सा? तो ये बात वाजे हो गई कि आज जो है जो रेजोल्यूशन पास किया गया है सिर्फ CAA के खिलाफ में है। आज से कुछ दिन पहले बल्दिया में भी जो है मेयर बंतू राम मोहन एक रेजोल्यूशन पास करे थे, वो CAA के खिलाफ में था। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके ये कहा कि बल्दिया में रेजोल्यूशन NPR और NRC के खिलाफ में रेजोल्यूशन पास किया गया। फिर बंतू राम मोहन एक बयान ये है, सिर्फ हमारा रेजोल्यूशन CAA के खिलाफ में NPR NRC के खिलाफ में नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट को लेकर उनके भक्त निकल गए रोड पे कि हमने रेजोल्यूशन पास किया, आप कोई NPR होने वाला नहीं है, कोई NRC होने वाला नहीं है। तो ये बार हम यानी किसी ना किसी नित नए तरीके से अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना KCR साहब में दम है, ना जगन साहब में दम है, दोनों के आंख पे इनकम टैक्स की और CBI की तलवार लटक रही है। किसी तरीके से अवाम को बेवकूफ बना के दोनों चीफ मिनिस्टर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मुस्लिम कायदीन CMO के कपड़े धो रहे, मैं उनको आगाह कर रहा हूं कि ये एहतजाज कोई सियासी दफ्तर से या सियासी प्लेटफॉर्म या सियासी जमात की रखेलियों में बना हुआ है। ये एहतजाज आज अवाम के दरमियान एहतजाज चल रहा है। खवातीन पढ़ी लिखी लड़कियां, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां मेडिकल स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आज असदुद्दीन ओवैसी से सवाल कर रहे हैं कि आया हैदराबाद में क्यों शाहीन बाग नहीं बन रहा है। आप जाके पूरे हिंदुस्तान में ये बोल रहे हैं कि लाखें निकल जाएंगे घरों से, लेकिन हैदराबाद में एहतजाज का कोई परमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो मैं फिर से आगाह कर रहा हूं कि आज का रेजोल्यूशन सिर्फ तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे दिल को खुश किया। चीफ मिनिस्टर ने आज बेहतरीन तरीके से अवाम के दिल को खुश कर दिया है। रेजोल्यूशन कोई NPR के ताल्लुक से नहीं है। बी केयरफुल एंड आई वॉन्ट ऑल द तेलंगानाइट्स टू बी ऑन द हम जैसा पहले एहतजाज कर रहे थे, इस एहतजाज को जारी रखेंगे। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।